स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 19 दिसंबर 2017 के करंट अफेयर्स एक पंक्ति में। MI-8 प्रताप हेलीकॉप्टरों को रिटायर करने के लिए इस शहर में एक समारोह आयोजित किया गया। क्या है उस जगह का नाम? उस जगह का नाम बेंगलुरु है। लाडली फाउंडेशन और इस राज्य की पुलिस ने मिलकर रन फॉर लाडली हाफ मैराथन का आयोजन किया। कौन सी पुलिस है वो, किस राज्य की? वो है दिल्ली पुलिस। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एकुवरिन 2017 का 8वां संस्करण भारत और इस देश के मध्य आयोजित किया गया। उस देश का नाम क्या है? मालदीव। इस शब्द को ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के द्वारा वर्ष का शब्द कहा गया है। क्या है वो? यूथ क्वेक। लाख बहोसी अभयारण्य LBS स्थित है, किस राज्य में स्थित है लाख बहोसी अभयारण्य? उत्तर प्रदेश में। सेबेस्टियन पिनेरा ने इस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। किसने जीता है? किस देश के राष्ट्रपति हैं ये चिली के राष्ट्रपति हैं। जुआन अर्लांडो हर्नांडिस इस देश के राष्ट्रपति पद के विजेता के रूप में घोषित किए गए। वहां की जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है उसने इन्हें वहां का राष्ट्रपति पद के विजेता के रूप में इन्हें घोषित किया है, तो वो है होंडुरास के। इस राज्य ने भारत के पहले सामाजिक लेखा परीक्षा कानून की शुरुआत की। तो ये राज्य कौन सा है? ये मेघालय राज्य है। भारतीय खिलाड़ियों ने चीन के ग्वांगझोउ में संपन्न हुए पहले वुशु सांदा एशियाई कप में इतने पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? कुल 10 पदक जीते हैं। इन्होंने दुबई वर्ल्ड सुपर सीरीज फाइनल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है। तो कौन है वे? वे हैं PV सिंधु। भारत श्रीलंका एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में इन्हें मैन ऑफ द मैच सीरीज दिया गया। तो कौन है वे? शिखर धवन। सो इस मैच को भारत ने 2-1 से अपने नाम कर लिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का मुख्यालय स्थित है। सो कहां ये स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। इन्होंने राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। सो किन्होंने जीता? ये सुशील कुमार ने जीता और ये 2-टाइम ओलंपिक चैंपियन भी है। इन्होंने पहली बार ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और दूसरी बार इन्होंने कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता था। तो दोस्तों, हम आज का अपना करंट अफेयर्स एक पंक्ति में यहीं समाप्त करते हैं। हमारा करंट अफेयर्स एक पंक्ति में कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा, और हमारे ऐसे ही करंट अफेयर्स एक पंक्ति में पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।